जयपुर हलवाई कैटरर्स कल्याण समिति के चुनाव 2024 और 2026। जयपुर 8 अगस्त 2024 जयपुर हलवाई कैटरर्स कल्याण समिति के चुनावों की वोटिंग आगामी 8 अगस्त को पारिक कॉलेज गोविंद गार्डन में आयोजित की जाएगी। इस चुनाव में 2024 और 2026 के लिए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार छीतरमल यादव ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। श्री यादव ने समिति को आगे ले जाने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि वे समस्त कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने समिति की बेहतरी और विकास के लिए अपने विजन को प्रस्तुत किया। उनके साथ पूर्व कोषाध्यक्ष विनय मेहरवाल और गजानंद जी हलवाई भी मौजूद रहे, जिन्होंने श्री यादव के नेतृत्व का समर्थन किया। चुनावों की तैयारियों और उम्मीदवारों की घोषणाओं से समिति के सभी सदस्य उत्साहित हैं और एक नई दिशा में समिति के कामकाज को लेकर आशान्वित हैं। जयपुर से मोहम्मद नफीस की खास रिपोर्ट। जयपुर हलवाई कैटरर्स कल्याण समिति के सभी सामान्य सदस्यों से मेरा नमस्कार। मैं चित्रमल यादव अध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ। भाइयों, इस समिति में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल में कुछ लोगों द्वारा कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि इस संस्था को जोटवाड़ा से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है वो जोटवाड़ा लेके चला जाएगा। भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है। ये संस्था हमेशा सदैव आपकी है और आपकी रहेगी। मैं हमेशा आपके बीच में रहूँगा। हमारे जो हलवाई भाई है, चाट वाले हैं, तंदूर वाले हैं, स्नैक्स वाले हैं, जो भी भाई है, सब भाइयों की ये संस्था है। मेरा आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप ऐसी कोई बातों में ना आए और हमेशा आप अपने दिमाग और विवेक से काम लेवें। धन्यवाद। भाइयों, आप मेरे ऊपर भरोसा करके 2 साल का मुझे मौका देवे और आगे जे अगर ऐसा कोई होता है और आपको कोई ऐसा लगता है तो आप 2 साल बाद में फिर अपने समिति में चुनाव होने वाले हैं, उस समय पे आप मेरे को जो कुछ कहोगे वो मैं आपके साथ में खड़ा होके बात करूँगा। जो भी बात होगी उसके लिए आप मेरे को हर समय हर टाइम पे कह सकते हैं। विनय जी, आप संस्था में पूर्व में मेंबर भी रहे हैं, तो आगे जाके क्या लगता है समिति के लिए छीतर जी और आप लोग क्या आगे जाके क्या काम करने वाले हैं? देखिए, समिति की जो समस्या थी, तो संस्था का स्थायी कार्यालय जो आज तक 12-13 साल जो समिति को बने हुए हैं उसमें ये स्थायी कार्यालय का मुद्दा हमेशा चला है, परंतु बन नहीं सका आज तक। तो हमारा पहला प्रयास यही रहेगा कि हम सबसे पहले समिति का एक स्थायी कार्यालय हमारे बिहाव पर या समिति के सदस्यों के साथ मिलकर के एक स्थायी कार्यालय की जगह जो है वो ली जाए, जिससे ये जो मुद्दे आज उठ रहे हैं कि समिति जोटवाड़ा चली जाएगी, ऐसे मुद्दे भविष्य में ना उठ पाए। दूसरा, समिति के जो लेखे जोखे हैं उनमें पूर्ण पारदर्शिता की आवश्यकता है, जिससे आम सभा की मीटिंगें हैं या समिति के आगामी कार्यक्रम हैं उसमें पूर्ण पारदर्शिता के साथ हम ये प्रस्तुत कर सकें कि समिति के लेखे जोखे जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। मेन समस्या यही है समिति की। स्टार्ट। हलवाई समिति के सभी सदस्यों ने छीतर जी यादव को चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया है और सब ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपना मत और साथ देके इनको चुनाव बारी मतलब से जिताया।